हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हैमर ऑफ थॉर के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट कुछ इस तरह आए थे मेरे पास, जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि हैमर ऑफ थॉर की ओरिजिनल बॉटल दिखती कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉटल ओरिजिनल है कौन सी बॉटल फेक है। तो उन सब बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमें पता कैसे चलेगा हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो ओरिजिनल है या नहीं। सबसे पहले हैमर ऑफ थॉर की बॉटल कुछ इस तरह दिखती है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि आप बॉटल की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ जेन्युइन चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं बॉटल के अंदर। और मैं आपको एक प्रोडक्ट का जो है अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, हैमर ऑफ थॉर की बॉटल का अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट में किस किस तरह की फेक प्रोडक्ट जो हैं अवेलेबल हैं उनसे किस तरह बच सकते हैं वो हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं हैमर ऑफ थॉर की जो बॉटल है उसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, ये देख सकते हैं आप, इसकी पैकेजिंग वगैरह देख सकते हैं। इसमें बस आपका नाम और आपकी डिटेल वगैरह लिखी रहेगी। प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। और ये जिस भी कोरियर सर्विस से आपके पास भेजा जाएगा ये उस तरह की डिटेल होंगी। यहाँ आपका ट्रैकिंग आईडी नंबर होगा जिससे आप अपना प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं किस तरह आ रहा है मेरे पास, या फिर उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो क्या है, कौन सी कंपनी से मेरा प्रोडक्ट शिप होकर के आ रहा है, और बाकी सारी डिटेल हैं वो आप इस कोड से देख सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट का बिल है, बिल कुछ इस तरह से होगा, ये आप देख सकते हैं। आपके प्रोडक्ट का अमाउंट होगा, शिपिंग चार्जेस वगैरह इसमें लिखे होंगे, ठीक है। बाकी सारी डिटेल हैं वो मैं आपको नहीं शो कर सकता, एज अ सिक्योरिटी मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ मेन डिटेल्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट हो गया, उसका शिपिंग चार्जेस कितना लगा है वो देख सकते हैं आप, और यहाँ अमाउंट वगैरह सब लिखा है, और यहाँ कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारी जो बॉटल है वो, अब ये हमारी बॉटल देख सकते हैं आप। इसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। और रही बात प्रोडक्ट के अमाउंट की, तो ये देखिए, बहुत सारे लोगों को ये सारी शिकायतें रहती है कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो है क्या एक्चुअली में। तो आप ये देख सकते हैं 4,580 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी हुई है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 2019 की, और एक्सपायरी डेट है 2022 की। तो ये सारी डिटेल भी देख सकते हैं। FSSAI का इस पर ट्रेड वो भी लगा हुआ है लोगो, और बॉटल जो है वो पूरी तरह से सिक्योर है। तो ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह का चल रहा है, यार फिर मार्केट में किस तरह की बॉटल हैं जो अवेलेबल हैं, जो फेक बॉटल्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, वो किस तरह की दिखती हैं। तो फेक बॉटल जो हैं वो कुछ इस तरह की दिखती हैं, आप ये भी देख सकते हैं। जो आप पॉन वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगाते हैं वो कुछ इस तरह का दिखता है। एक ये बॉटल है और एक ये बॉटल है। लोगों को लगता है कि ब्लैक बॉटल खरीद लेने से उनका काम हो जाएगा, जो ब्लैक बॉटल उन्होंने खरीदी है बस वही ओरिजिनल है, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल बॉटल ये है, आप इसकी क्वालिटी देखिए और इसकी क्वालिटी देखिए, आप तीनों बॉटलों में फ़र्क देख सकते हैं अपनी आँखों से।
और रही बात इनकी, ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली फेक है, ये हैमर ऑफ थॉर के नाम पे फेक प्रोडक्ट लोगों को दिया जा रहा है। अब इसमें इसका जो बैनर लगा हुआ है इसके अंदर ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर कोई भी डिटेल्स वगैरह नहीं दी हुई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है और इसकी एक्सपायर डेट वगैरह क्या है। इन दोनों बॉटलों के ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक लोगो लगाया हुआ है हैमर ऑफ थॉर की बॉटल का और ये लिखा हुआ है 100% जेन्युइन, एक नाम दिया हुआ है हैमर ऑफ थॉर का। उसके अलावा कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक डिटेल नहीं है जो किसी मेडिसिन के अंदर होती है। वहीं मैं बात करूं इसकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का लोगो भी दिया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस वगैरह भी मेंशन है, इसकी एक्सपायरी डेट कब की है वो भी दिया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो आप देखना चाहेंगे समझना चाहेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट आपको फील हो जाएगा कि हाँ मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो 100% जेन्युइन है या नहीं है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इस बॉटल को ओपन करके दिखाऊंगा, इसके अंदर कितने कैप्सूल होते हैं, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से नहीं खाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता। तो इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, उस बॉटल के अंदर कितने कैप्सूल होते हैं, कैसी दिखती है, कैप्सूल किस तरह का हो सकता है, वो सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी। वो सब जानने के लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, टेक केयर।